हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर एंड वेब डिज़ाइनिंग इन हिंदी एंड उर्दू में आप सबका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि डिव टैग्स को हम अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने डिव टैग के कंसेप्ट को समझा था कि डिव टैग एक्चुअली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो में, जो कि हमारी 15th वीडियो है, हम देखेंगे कि हम वीडियोस और ऑडियो को कैसे HTML के अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया है HTML का, या उसकी न्यू फाइल क्रिएट की है जिसका टाइटल है एडिंग वीडियोस एंड ऑडियो, जिसका तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप कैसे इसे बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियोस और ऑडियोज ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक वीडियो या फिर एक ऑडियो की ज़रूरत होती है जो आपने ऐड करनी है। मैंने अपने HTML के फोल्डर में, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक वीडियो जो कि VIDEO वीडियो के नाम से मैंने सेव कर रखी है, वो सेव की है, और एक ऑडियो है जो कि कोई सॉन्ग है। सो लेट्स नाउ हम अपनी HTML के अंदर वीडियो ऐड करते हैं। वीडियो ऐड करने के लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग यूज़ करते हैं, जो क्या है, एम्बेड। सो फ्रेंड्स, एम्बेड के टैग के अंदर आपको जो भी राइट करना है या वीडियो का जो आप टाइटल देना लिखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज My first video। फ्रेंड, ये तो आ गया टेक्स्ट। अब एक्चुअली हमें एम्ड के अंदर सोर्स देना है। सोर्स किस चीज़ का? उस वीडियो का जो कि हम यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। अब इसका सोर्स कैसे दिया जाएगा? HTML के फोल्डर के अंदर, फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैंने एक वीडियो सेव की हुई है। नाम है इसका वीडियो, और इसकी जो एक्सटेंशन है वो हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हैं। .mp4 इसकी एक्सटेंशन है। सो हम पहले वीडियो का नाम लिखेंगे, वीडियो डॉट अब उसकी एक्सटेंशन mp4। लेट्स नाउ सेव इट एंड रीलोड इट इन गूगल या और रन इट फ्रॉम हेयर। हम यहाँ से इसको रन करते हैं, लॉन्च इन क्रोम। आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने वीडियो का जो टेक्स्ट दिया था वो भी शो हो रहा है, एंड जो वीडियो मैंने वहां पे उसको शो करवाने के लिए कहा था उसने वो भी शो करवा दिया। आप यहां से इसका वॉल्यूम भी कैंसिल या म्यूट कर सकते हैं। इसको आप यहां से स्टॉप भी कर सकते हैं, और फॉरवर्ड या बैकवर्ड का ऑप्शन भी यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह आप वीडियो की हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो वीडियो आ रही है इसकी हाइट अब अनअप्रोप्रिएट है, हमने सेट नहीं की। हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक हाइट और विड्थ दे सकते हैं। हाइट और विड्थ हम यहाँ पे एम्ड के अंदर हाइट देते हैं इसकी, .400 pixels। लेट्स नाउ सेव इट एंड रीलोड इट इन गूगल। आप देख सकते हैं उसने वीडियो की हाइट और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई को हमारी दी हुई हाइट और विड्थ के मुताबिक सेट कर दिया है। फ्रेंड्स, इसी तरह हम अपनी HTML के अंदर अब ऑडियो को देखेंगे कि ऑडियो कैसे ऐड कर सकते हैं। ऑडियो के लिए भी हम एम्ड का टैग यूज करते हैं, एंड सेम यहां पे सोर्स देते हैं। अब हमने अपने HTML के अंदर जो ऑडियो सेव की थी वो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रीनेम कर लेते हैं, कोई इजी सा नाम रखते हैं ताकि इसे आराम से
इजीली कॉल करवाया जा सके। फॉर एग्जांपल मैं इसे ऑडियो का नाम सेट कर देता हूँ। ऑडियो और इसकी एक्सटेंशन आप बाहर से भी देख सकते हैं MP3। अगर आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा तो आप प्रॉपर्टीज में जाके .mp3 में इसकी एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं। अब सिंपली हमें अब यहाँ पे ऑडियो का सोर्स देना है audio.mp3। लेट्स नाउ सेव इट। रीलोड करने से पहले हम यहाँ पे कुछ br टैग्स दे देते हैं ताकि ऑडियो और जो वीडियो है उसके दरमियान कुछ स्पेस आ जाए। लेट्स नाउ सेव इट एंड रीलोड इट इन हियर। ऑडियो को भी यहाँ फ्रेंड्स आपने देखा कि अब हम अपनी HTML के अंदर कैसे ऑडियो या वीडियो ऐड कर सकते हैं। इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो हम HTML के अंदर देखेंगे कि टेबल्स कैसे ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट्स के अंदर डेटा टेबल्स के अंदर भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, रोज की फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में। टिल देन हम HTML5 को भी डिस्कस करेंगे, कुछ एडवांस इसकी जो CSS के साथ वर्किंग है वो भी देखेंगे। टिल देन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ शेयर विद मी सो आई कैन हैंडल इट एंड आई कैन हेल्प यू। टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।